हेलो और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बीनोज़ किचन। बीनोज़ किचन में आपका वेलकम है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी बेसन का हलवा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बेसन का हलवा बनाने हैं। बेसन के हलवे के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ऐसे को इस तरीके से आप अच्छे से छान लेंगे। इस तरीके से बेसन का मैंने अच्छे से छान लिया और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लम्स फ्री हो चुका है और स्मूथ बन चुका है। बेसन को अच्छे से छानने के बाद आप इसको भूनेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर। मेक श्योर कि ये साथ ना लगे, ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। इसको आप साथ साथ स्पैचुला यूज़ करते हैं जो है, इसको मिक्स करके इसको भूनेंगे। बेसन के साथ इसकी मैं जो है 12 अदद जो है टेबल स्पून सूजी की वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको साथ साथ जो है फ्राई करेंगे। चल बेसन और सूजी की जब इस तरीके से भुनाई हो जाएगी तो इसमें आप 1 कप घी का ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 2 कप बेसन लिया था। घी ऐड करके आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें जो है आप एटलीस्ट 6 टेबलस्पून जो है दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे एटलीस्ट 3 मिनट्स के लिए। इसमें आप एटलीस्ट जो है 3 to 4 क्यूब्स जैगरी के ऐड करेंगे। उसको अच्छे से आप पीस करके मिक्स करेंगे और जो सूजी जो है इस तरीके से फ्राई होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आप 1/2 कप जो है दूध का इस्तेमाल करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद आपकी जो आँच है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। हलवा जब इस तरीके से अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो जाएगा तो आप इसमें 1 कप पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सिप करके यूज़ करके इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। इस तरीके से हलवा जब इस तरीके से दानेदार और सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप एक सॉस पैन में आप बटर लेंगे और उसको गर्म करेंगे। बटर जब इस तरीके से प्री हीट हो जाएगा तो इसमें आप अलसी के बीज 1 टेबलस्पून भरकर, 1/2 टीस्पून चार मगज, 3 टेबलस्पून पीनट्स हैं और 1 टेबलस्पून जो है ग्राइंडेड आलमंड्स हैं, इनको इसमें ऐड करके इसको रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से जब आप पीनट्स सौते हो जाएंगे तो इसको आप हलवे में ऐड करके इसको ऐड करें और आपका हलवा जो है वो रेडी हो चुका है।